हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट 3 उर्दू ऑनर्स पेपर 8 यानी पेपर 8 में किस तरह का सवाल पूछा गया था पिछले साल यानी 2022 में। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर नहीं बताऊंगा वीडियो के अंदर, मैं इसका जो जवाब है उसे मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग पहले बनाओगे ऑब्जेक्टिव, अगर नहीं बने उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में देख के आप लोग मिला लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएंगे और जल्दी से एग्जाम में लिख पाओगे। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा गया है। मारोजी सवालात यानी ग्रुप अलिफ में 20 मार्क के हैं, 10 क्वेश्चन हैं। देखिए पहला सवाल पूछा है, तशबीब किस सिन्फ के अजजाए तरकीबी में से एक है। तो देखिए यहाँ पर आपका तीन ऑप्शन दिया हुआ है, मर्सिया, मसनवी, कसीदा। तो आप इसका जवाब आपको खुद देना है और मैं इसका जो जितना भी आंसर रहेगा ऑब्जेक्टिव मैं उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से मिला लोगे। दूसरा सवाल पूछा है, मीर अनीस की वाजह शोहरत क्या है। इसके बाद है, बैन किस सिन्फ का जुज्व है। तो यहां पर देख सकते हैं तीन ऑप्शन दिया हुआ है, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में और इसका मैं जितना भी आंसर होगा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग आराम से याद कर लोगे। चौथा मैं सवाल पूछा है, बिहार में तारीख नसर किसकी तसनीफ है। इसके बाद है, गोदान किसकी तख्लीक है। इसके बाद है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र के मुसन्निफ कौन हैं। इसके बाद पूछा है, शाद अजीम आबादी का असली नाम क्या है। इसके बाद है आपको फलसफियाना अनासिर किस शायर के कलाम की खसूसियत करार दी गई। तो इसका जवाब आपको देना है। इसके बाद है, सात खेल के मुसन्निफ कौन हैं। इसके बाद है, मसनवी सोजो गुदाज के खालिक हैं। तो इसमें आपको जवाब देना है। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल थे, आपको 10 सवाल पूछे गए थे। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव में आने हैं। सब्जेक्टिव में आने ग्रुप बे में तीन सवाल होंगे 60 नंबर के, यानी 20-20 नंबर के। तो देखिए सात सवाल दिए हुए हैं, मीर हसन की मसनवी निगारी पर जामा नोट तहरीर करें। उसके बाद है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। फिर है, गालिब के शायरी मुहासिन पर रोशनी डालिए। इसके बाद है, मीर अनीस की मर्सिया निगारी की खसूसियात तहरीर कीजिए। इसके बाद छठा में पूछा है, प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर एक जामा मजमून लिखिए। या फिर सातवां नंबर सवाल पूछा गया है कि जमील मजहरी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। इसके बाद देखिए ग्रुप जी में है, हिदायत है, आप पढ़ लीजिए इस इबारत को और इस इबारत को हिंदी में तर्जमा करना है, ट्रांसलेट करना है। तो आप इस इबारत को देखें, पढ़ें, इसके बाद इसे हिंदी में लिख के प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद देखिए नवां में सवाल पूछा है, तो यहाँ आपको इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे उर्दू में तर्जुमा करना है। तो इंग्लिश पढ़ लें, इसके बाद इसे उर्दू में तर्जुमा कर दें। तो बस ये दोस्तों आप लोगों के लिए सवाल दिए गए थे, पिछले साल पूछा गया था। तो बस इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन, मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।